Hello student, in this video lecture we are going to discuss preparation of ammonia. You know about ammonia mein is tarah se 3 hydrogen atom hote hain and a lone pair of electron. theek hai, kaisa hota hai? Pyramidal shape ka ammonia hota hai. theek hai, to ammonia is present in small quantity in air, soil and water. theek hai, तो यूरिया जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिके होने से दिस इज़ यूरिया. ये क्या है स्टूडेंट? यूरिया है और एक तरह का क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिके होने से सोइल में, एयर में, वाटर में आपको यहाँ से अमोनिया मिल जाती है. तो वाटर के साथ देखो अगर डिके हो रहा है ये इस तरह से, तो बनाएगा अमोनियम का ये इस तरह का कार्बोनेट और ये जो है देता है अमोनिया 2NH3 water and CO2 gas. ठीक है, this is the preparation of ammonia. बात करते हैं small scale production की. small scale production कैसे करेंगे आप? कम मात्रा में अगर बनाना है तो अमोनियम क्लोराइड में आप क्या करेंगे? लाइम मिक्स किया और डिकम्पोज करा दिया इन दोनों को. धीरे धीरे डिकम्पोज होता है, यहाँ से मिलेगा आपको अमोनिया, यहाँ से मिलेगा वाटर और CaCl2. तो इस तरह से भी अमोनिया को आप बना सकते हैं. एंड द नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ द अमोनिया फ्रॉम द अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सल्फेट NH4 का अल्टोवाइज SO4 हीट अप, इट विल गिव NH3 NH4 HSO4 अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट. ठीक है, दिस इज स्मॉल स्केल प्रोडक्शन. नोट डाउन दिस. नाउ स्टूडेंट समझेंगे लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया और ऑल्सो वी कैन से द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया. ओके, तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन में यहाँ पे हम पढ़ते हैं हेबर प्रोसेस, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय द हेबर, सो इट इज नोन एज द हेबर प्रोसेस. हेबर प्रोसेस में N2 3H2 लिया जाता है. इसके साथ साथ आपने इस कंडीशन को ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू लिचिटेलियर प्रिंसिपल. इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए कंडीशंस होती हैं. प्रेशर यहाँ पर 200 × 10^5 पास्कल या अबाउ 200 ATM होना चाहिए एंड द टेम्परेचर रेंज 700 K अप्रोक्सीमेटली. कैटलिस्ट यूज मोस्टली आयरन ऑक्साइड इज द मेन कैटलिस्ट, बट स्मॉल क्वान्टिटी यूज, दिस इज स्मॉल क्वान्टिटी, स्मॉल क्वान्टिटी यूज K2O एंड Al2O3. ये दोनों कैटलिस्ट इसलिए यूज़ करते हैं कि जल्दी से इक्विलिब्रियम मिल जाए. तो लिचिटेरियर आपको पता है कि कोई भी जैसे प्रेशर इधर कम होता है तो इधर उसको कम कंपनसेट करने के लिए इक्विलिब्रियम आगे चलता है, रिएक्शन आगे बढ़ती है, तो इसको फॉलो करता है इक्विलिब्रियम आने के लिए. ठीक है, तो हम क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि K2O Al2O3 का क्या यूज़ है? तो यू कैन से इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम, राइट. तो ये था लार्ज स्केल प्रोडक्शन और ये काफ़ी अमाउंट में यहाँ पर अमोनिया प्रिपरेशन हो जाता है हेबर प्रोसेस से, राइट. इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. नाउ समझते हैं स्टूडेंट प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज से पहले हम इसके समझेंगे स्ट्रक्चर को. यहाँ पे क्या होता है? टाइगोनल पायरिमिडल शेप का होता है. एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्डेड एटम इसके पास लगे हुए हैं. यहाँ पर बॉन्ड एंगल स्टूडेंट 107.8° का होता है. बेसिक नेचर की बात करें तो हम बात करते हैं इट एक्ट एज लुईस बेस. लुईस बेस कैसे है तो देखेंगे. इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दिस इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट. और यहाँ पे हमारे पास बोरॉन ट्राईफ्लोराइड है, दिस इज द बोरॉन ट्राईफ्लोराइड. ये अपना एक लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा क्योंकि यहाँ पर ऑक्टेट कम्प्लीट है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी लोन पेयर है, ऑक्टेट कम्प्लीट है. ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये क्या बन जाएगा? डोनर, अमोनिया डोनर. और ये हो जाएगा एक्सेप्टर, दिस इज एक्सेप्टर. और लोन पेयर को टेंस करेगा, इस तरह का बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेता है ये. तो हम उसको एक इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड दिस इज डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट स्टूडेंट. ये क्या है? ये लुईस एसिड और ये लुईस का बेस है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. एक्सेप्टर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बिकॉज 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है. और ये क्या है? डोनर एटम है. तो ये क्या बन जाता है? अपने इलेक्ट्रॉन को डोनर, अगर जो डोनर है
तो लुइस बेस जो होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है तो वो कैसे एक्ट कर रहा है, लुइस बेस के जैसे एक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट इट एक्वो सोल्यूशन, अमोनिया का जो एक्वो सोल्यूशन है बी कैसा है, बी बेस के जैसे बिहेव करता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द OH आयन। ये अमोनिया लिया हमने और वाटर में हमने इसको डिजोल्व किया। इट फॉर्म NH4 अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, दिस शोज टू द बीक बेस। यहाँ पे ये कैसे काम कर रहा है, बीक बेस। तो अमोनिया क्या है, एक तरह का बीक बेस है, तो इस बात से हमें ये पता लग जाता है। इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। नाउ सुन समझेंगे प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट। जिंक सल्फेट के साथ अगर हमने अमोनिया का सॉल्ट लिया यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आपको मिलेगा ZnOH का होल ट्वाइस वाइट PPT मिलता है और इस तरह से अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है, राइट। अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन, दिस इज अमोनिया सॉल्ट, FeCl3 से कराएंगे तो यहाँ पे आपको Fe2O3.XH2O का ब्राउन PPT मिलेगा और अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक तरह के प्रोडक्शंस होते हैं। इसके अलावा अमोनिया पता है आपको क्या है, एक लुइस बेस है। NH3 डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर एंड फॉर्म लिंकेज विद मेटल, और ये किसको बता रहा है, अमोनिया के लुइस बेस नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहा है, वो डोनेट कर रहा है। क्वेश्चन बनता है कि अमोनिया अगर मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बना दे, ये क्या एक तरह का कॉम्प्लेक्स, तो यू कैन से अमोनिया एक्ट एज लुइस बेस। तो यहाँ पे क्या स्टूडेंट, कॉपर है, कॉपर आयन के साथ अमोनिया ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग करी होगी और यहाँ पे क्या बनाया, CuNH3 का 4 पॉजिटिव चार्ज, तो ये एक डीप ब्लू कलर का होता है, ये क्या है, एक कॉपर का कॉम्प्लेक्स है। इसी तरह से सिल्वर ने सिल्वर मेटल है, ठीक है, ये सिल्वर, मैंने सिल्वर क्लोराइड यूज़ किया, अमोनिया से रिएक्शन करके इसने भी अपना पेयर डोनेट किया और बनाया AZNH3 का होल ट्वाइस ब्रेकेट Cl। दिस इज कलरलेस, इसका कोई भी कलर नहीं होता, ये भी एक तरह का क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसका मीनिंग यहाँ पर ये है, दिस डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर विद मेटल, राइट, नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट यूजेस ऑफ अमोनिया, फर्स्ट यूज, इट यूज इन रेफ्रिजरेशन, ओके, लिक्विड अमोनिया, बट लिक्विड अमोनिया ऑल्सो यूज इन रेफ्रिजरेशन, ठीक है, रेफ्रिजरेंट में भी इनका यूज़ किया जाता है। अमोनिया यूज फॉर द मेकिंग आर्टिफिशियल सिल्क, तो आर्टिफिशियल सिल्क इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में अमोनिया का यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट, अमोनिया यूज टू प्रोड्यूस वेरियस नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स और सम अदर कंपाउंड्स लाइक नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, यू नो अबाउट वेरी वेल, यूरिया एंड अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, ये क्या है, फर्टिलाइजर्स हैं जो क्रॉप फील्ड में हम यूज़ करते हैं, ओके, हाई यील्ड प्राप्त करने के लिए क्रॉप फील्ड में हम इनका यूज़ करते हैं। नाउ NH3 यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ इनॉनिक कंपाउंड, कुछ इनॉनिक कंपाउंड भी इसकी हेल्प से बनाए जाते हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड। तो ये कंप्लीट होता है अमोनिया के बारे में, यहाँ तक इसको नोट कीजिए।